कुआं से आवाज निकली, राजा ने घोड़ा रोको आगे बढ़े के देखा एक नव युवती पड़ी हुई है। और ये बड़े बेटा जी आकाश भैया मानिकपुर करहल से आए हुए 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ हे गोविंद सुख और संपत्ति प्रदान हो। सभा में सम्मानित किया भगवान, इनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम ना करे, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, यही मेरी ठाकुर से कामना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज जब पीतांबर डाल के और निकाल लियो तो देवयानी ने झपट के राजा की कलाई पकड़ी। राजा बोले हाथ छोड़। देवयानी बोली चिल्ला काहे को रहे हो। राजा बोले हाथ छोड़, हमें जब बता जा कुआं में कैसे आई, नाम का है पिता को, नाम का है को गिराई गो, जवाब दो। महाराज धीरे धीरे पूछा ना, तो बोले सुनो बोले तू ब्राह्मण की बिटिया, मैं यादव वंश का हूं, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। देवयानी बोली को स्टंप पेपर पे लिख के धर के आए हो क्या, ब्राह्मण की बिटिया सगे ब्याह ना आए हो। देवयानी बोली तुम्हें पता है का हमारी शादी यादव वंश में ही होगी। राजा बोले तू का लिख के आई है कि हमारी शादी यादव वंश में होगी। बोले हाँ हमारा तो लिखा रखा है। बोले वो कैसे, अब जरा गौर करना। महाराज देवयानी के पिता का नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो गुरु है बृहस्पति जी, उनके लड़के कच संजीवनी विद्या सीखने के लिए आए हैं।